एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी के अंदर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विजय सक्सेना का आज दौर रहा। उन्होंने आजादपुर मंडी के अंदर व्यापारियों की समस्या को सुना और उन्हें जल्द हल करने के लिए आश्वासन दिया। आपको बता दें कि आजादपुर मंडी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौरे के दौरान मंडी के अंदर आज साफ सफाई मिली और जो रेडी पटरी या अनऑथराइज रूप से रोड पर गाड़ियां खड़ी करते थे आज वह बिल्कुल साफ नजर आया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसी साफ सफाई और रोड पर से जो अवैध रूप से पार्किंग लगा रखी थी वह बिल्कुल हटा दी गई, क्या आने वाले समय में भी बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा कि यह सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर के आने को दिखाने के लिए किया गया। लोग सबके दौरे को लेकर दिल्ली पुलिस का पूरा बंदोबस्त रहा। एलजी साहब ने आजादपुर मंडी में बने व्यापारी के फलों का निरीक्षण किया। राजू कोहली जी, आज एलजी का दौरा रहा मंडी के अंदर, क्या कहेंगे इस बार? यही कहूंगा कि एलजी साहब को पूरी मंडी के अंदर से 53 एसोसिएशन हैं, उसमें मेरी चैम्बर ऑफ यूथ एसोसिएशन जो सोशल नेटवर्क के ऊपर काफी मशहूर है, हमने पत्र लिखा था 1.5 महीने पहले एलजी साहब को, तो एलजी साहब आज पत्र के हमारे इन्विटेशन के ऊपर मंडी के हालात देखने के लिए आ जाए हैं। तो मंडी के अंदर जो हालात आज आपने देखा भी कि बिल्कुल साफ सफाई कर दी गई है, लेकिन ऐसे हालात क्या रोज होंगे कि सिर्फ आज एलजी को दिखाने के लिए? अगर आप खाली संदेश ही देते हैं कि मंडी में मैं आ रहा हूं तो मंडी ऐसे चमक जाती है जैसे वो प्लॉट पेस की सिटी हो, लेकिन मैं फिर भी ये चाहूंगा अभी जो सेक्टरी साहब और पिछली साहब को जो डायरेक्शन देखे गए हैं उसके अनुरूप मंडी इसी तरीके से रहनी चाहिए जिस तरीके से अभी मंडी अभी आपको दिखाई दे रही है। एज अ कमेटी मेंबर, हम तीनों कमेटी मेंबर और बोर्ड मेंबर पप्पा बहू जी, हम पूरा प्रयास रहेगा कि मंडी को एज इट इज जितना स्वच्छ कर सकते हैं करवा सकते हैं वो करवाएं। और ये हमारा ही संज्ञान था कि हमने एलजी साहब को बुलाया, ऑफिशियली एलजी साहब नहीं आए थे, एलजी साहब चैम्बर ऑफ यूथ एसोसिएशन के माध्यम से आए हैं। लेकिन मंडी के अंदर जो आज व्यापारियों का जो व्यापार नहीं करने दिया गया, उनका रोक दिया गया, कोई गाड़ी अंदर नहीं आने दी गई, तो क्या उन व्यापारियों को नुकसान नहीं है? लेबर को भी काम नहीं मिला आज, इस बारे में क्या कहेंगे? शायद आपकी नॉलेज में होगा, जैसे मेरा अपना अदरक का काम है, अरबी का काम है, लोगों का गाड़ियां तो अंदर गेट पास करके प्रॉपर आई हैं, खाली गाड़ियों को रोका गया ताकि मंडी में अवैध पार्किंग ना हो, इसलिए वो उसके ऊपर डायरेक्शन पहले भी हो चुकी थी। आज आप समझ सकते हैं जो बड़ा सीनियर अफसर आएगा तो उसके ऊपर तो थोड़ी बहुत गाड़ियां हटाई जाती हैं, लेकिन भरी गाड़ियों को लोड अनलोडिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अवैध पार्किंग क्या रोज की तरह हटाई जाएगी कि सिर्फ आज ही हटी? अवैध पार्किंग जो अच्छे 11 नंबर चढ़ के आगे अवैध पार्किंग थी जो आज नहीं दिख रही, अगर कल होगी तो मैं खुद खड़ा हूँ यहाँ पे आके और एलजी साहब से सीधा बात करेंगे कि आपके होते हुए तो अवैध पार्किंग बंद हो गई, दोबारा लगती है तो हम इसके ऊपर जोर इनका बहिष्कार करेंगे।